और भाई क्या हाल चाल, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, गुड आफ्टरनून फ्रॉम मुंबई। तो गाइज आज है 24 नवंबर एंड अभी एग्जैक्टली दोपहर के 2 बज रहे हैं एंड अपनी ट्रेन है यहाँ से 4 बजे की फॉर दिल्ली, एंड दिल्ली से एक और कनेक्टिंग ट्रेन होने वाली है कल मॉर्निंग में जो हमको पानीपत पहुँचाएगी। और पानीपत से जो सेठ जी है, एक्चुअली मैं जा किधर रहा हूँ अगर आपको बता दूँ तो, मैं सेठ जी के गाँव जा रहा हूँ। उसके गाँव क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि भाई उसकी शादी होने वाली है 27 तारीख को। और अगर आप लोग मुझे फॉलो नहीं करते तो सेठ जी एक गौरव मेरा एक बचपन का दोस्त है, बहुत ही खास दोस्त है मेरा, तो उसकी शादी है तो भाई उसके लिए तो जाना बनता है। तो सामान मैंने ऐसे पैक पैक कर लिया, ये 2 बैग लेके जाने वाला हूँ मैं। एंड बस एक चीज़ रह गई है मुझे, बेलापुर मैं सोच रहा हूँ रुकूंगा डेकेथलॉन में, और डेकेथलॉन से मैं क्विक ड्राई टॉवल उठा के रख लूंगा मेरे पास, क्योंकि बीच में मैं आफ्टर उसकी शादी थोड़े बहुत और जगह घूमने वाला हूँ, तो और थोड़े बहुत हॉस्टल्स में भी स्टे करने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या बोलते हैं, अपने को क्विक ड्राई टॉवल रखेगा तो बोलते ना अच्छा रहता है। एनी विच वेज तो फटाफट अभी निकलते हैं वरना लेट हो जाएगा, ट्रेन मिस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ से बेलापुर जाऊँगा, बेलापुर स्टेशन से फिर मैं ट्रेन करूंगा लोकल एंड आई विल रीच CST। फिर वहाँ से तो आई एम होपिंग कि 3:30 तक तो मैं पहुंच जाऊँ CST कैसे भी, बट देखते हैं जो भी रहेगा मैं आपको रास्ते में बताता हूँ। तो गाइस टिकटोलन जाने का प्लान मैंने कैंसिल कर दिया एंड रिक्शा वाले भैया को बोला कि सीवुड्स के स्टेशन पे लेके चलो इंस्टेड बेलापुर, सो दैट जो ये लोकल है इसको मैं कैच कर सकूँ टाइम पे एंड अपना जो CST स्टेशन है मैं प्रॉपरली टाइम पे पहुँचता हूँ। इवन तो मैंने लोकल पकड़ ली थी बट स्टिल फॉर सम अनफॉर्सीन सरकमस्टेंसेस मैं CST स्टेशन बेयरली टाइम पे पहुंचता हूँ, और कैसे जैसे भागते भागते जो है मेरी राजधानी कैच करता हूँ। राजधानी वैसे 4 बजे निकलने वाली थी जैसे मैंने बताया था, एंड 3:57-3:58 के अराउंड आई बेयरली यू नो मेड इट टू द ट्रेन, और एग्जैक्टली 4 बजे जो है ट्रेन निकल पड़ी। क्या क्या बोल रही थी, क्या देखने वाली उधर? मैंने जो चीजें रियल कभी देखी नहीं, मतलब सिर्फ टीवी में देखी है नॉर्थ इंडिया साइड की, तो अभी मैं रियल देखूंगी। तो गाइज एज यूजुअल तुम्हारे भाई ने नॉन वेज लिया है, मैडम ने वेज लिया है, से चिकन है, दाल, यू हैव पोटैटो का सब्जी, चपाती, यहाँ पे मैंने मेरा राइस रख लिया है, एंड वेज में पनीर की सब्जी है बस, बाकी सब तो सेम ही है, एंड दही भी है ऑल्सो, एंड आई थिंक बाद में ना स्वीट्स भी आते हैं तो कुछ आएगा तो मैं बताता हूँ। आई थिंक आइसक्रीम आएगा तो और ये हमने ना जब नाश्ता आया था तब ये रह गया था खाने को, तो ये भी खा लेंगे। एंड आज तो बहुत सारा कांड हो गया था, मतलब मेरी ट्रेन ऑलमोस्ट छूटते छूटते रह गई थी, बट यहाँ पे बहुत भीड़ है, तो अभी मैं पूरी स्टोरी आपको कल मॉर्निंग में अच्छे से बताता हूँ। तो अभी के लिए तो चलो खाना खाते हैं एंड विल मीट यू टुमॉरो मॉर्निंग। ये वाली ट्रेन भी बहुत ज़्यादा लेट है यार, इट वॉज सपोज टू रीच अराउंड 9:55 को, बट अभी हो रहा है 10:40 एंड स्टिल वी आर 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली, तो लग नहीं रहा है ये वाली ट्रेन तो, मतलब यहाँ से तो हम कनेक्टिंग नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ से मेरी दूसरी जो ट्रेन है वो पश्चिम ट्रेन थी एंड वो जस्ट अभी निज़ामुद्दीन से निकल गई है। तो अभी वही सोच रहे हैं कि क्या करना है, कि यहाँ से न्यू दिल्ली जाए या फिर सब्जी मंडी पे भी वो रुकने वाली है, तो आई थिंक सब्जी मंडी वुड बी अ बेटर ऑप्शन, बट जो भी है पहले देखते हैं कितने टाइम में पहुँचती है, उसके बाद ही डिसीजन लेंगे, या फिर वो वाली ट्रेन अगर मिस हुई तो बहुत एडवेंचरस होने वाला आज का दिन, तो आप बने रहे। श्रद्धा क्या लगता है ट्रेन मिलेगी क्या दूसरी वाली? यहाँ पे तो नहीं है यार, यहाँ से निकल गई है वो। देखते हैं गाइस अभी ये वाला तो बहुत एडवेंचरस होने वाला है राइड, यहाँ से फटाफट भागते हैं, वॉट एवर वी गेट, ई रिक्शा, टैक्सी, वो लेके जाना पड़ेगा अभी सब्जी मंडी के लिए। आराम से रुकने दे पूरा। तो कुआ जैसा चूहा
कैसा लग रहा है अभी? एकदम मस्त ना? तो गाइस somehow we have made it to कौन सा ये सब्जी मंडी है ना? तो सब्जी मंडी स्टेशन पे आ गया। बाय द वे ये श्रद्धा है, मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गया। मतलब अगर आपने पुराने वाले वीडियोस देखे तो डेफिनेटली यू नो हर, गौरव और मेरी दोस्त है। तो अभी मेरे साथ तो यही है यहाँ पे, बाकी लोग ऑलरेडी या फिर कल पहुँचेंगे या तो आज पहुँच चुके हैं। रोशन एंड मनीषा दे आर ऑलरेडी इन पानीपत या समलखा बोल सकते हो, जो गौरव का गाँव है। बट अभी देखते हैं, अभी यहाँ पे ट्रेन आने वाली है, जस्ट अनाउंसमेंट हुई है प्लेटफॉर्म 1 पे आने वाली है, तो ट्रेन पकड़ते हैं और फिर बाद में आपको मैं कल की भी स्टोरी बताता हूँ, बट वो थोड़े टाइम के बाद। तो गाइस फाइनली एट पानीपत। अभी यहाँ से गौरव के चाचा आए हैं सुभाष का, तो अभी नीचे खड़े हैं, उनको मिलते हैं और उसके बाद जाएंगे उसके गांव। तो जो भी अपडेट है ना, मैं आपको भी गांव पहुँच के ही दूंगा कि कैसा हमारा ओवरऑल जर्नी रहा। क्या बोलता है व्हाट्सअप दूल्हा? व्हाट्सअप, एक मिनट रुक जाओ, उतरते उतरते। तो ये रहे बाकी के ग्रैंड। सिर्फ एग्जांपल को ट्रेन नहीं, क्या बोलती मनीषा? हाय, ब्लॉग बनाने आ गया, ब्लॉगस्टर। और क्या करे भाई, कैसा था तेरा, तुम लोग का ये बोला 35 आवर्स लगा ना? तो जैसा कि आप लोग ने देखा भी भाई, सब लोग मिलेंगे तो जाते हैं, अभी मिल लेते हैं। एंड मेरी फट रही, उसकी भी फट रही है, दोनों की फट रही है भाई। इसको अपनी प्रजाति का दिख गया। हाँ बोल रहा भाई, इधर कौन आ गया बड़ा बैल। क्या बोलता है भाई? एकदम मस्त भाई, डरा मत साले, उनको मारेंगे पकड़ के। मेरे को तू डरा मत साले। तो ये गौरव का, ये किसका घर था? बाहर तो चाचा का है ना। तो ये जो है पूरा सिर्फ मेरा ही है अकेले का, बाकी सबका पता नहीं अभी क्या हिसाब है। क्या भाई, बाकियों को खाना नहीं देने वाला तू? हाँ सेठ जी, सो दिस इज, शर्म आ रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, कैमरा इज मोर इम्पोर्टेंट। तो रोशन मनीषा तो वापस आए, कर दे भाई अच्छे से कर। हाँ इसका देखा था। ये तो उसको श्रद्धा का इंट्रोडक्शन कर लिया, ये तो पता है भाई फेमस है। तो चलो गाइस खाना वीना खा लेते हैं और फिर सीधा मिलते हैं। तो गाइस जैसे कि आपने देखा, आज का दिन तो यार बहुत ज़्यादा एडवेंचरस था। मतलब नसीब हमारा अच्छा था कि हमने डिसाइड करा, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू न्यू दिल्ली स्टेशन, हम सीधा सब्जी मंडी चले गए। एंड सब्जी मंडी पे हमको हमारी पश्चिम एक्सप्रेस, लिटरली हम जब स्टेशन पहुंचे उसके 2 मिनट के बाद वो आ गई थी। एंड भाई वो रिक्शा वाले को थैंक यू सो मच भाई, अगर वो बंदा करी वीडियो कभी देखेगा गलती से तो, मतलब अगर वो नहीं होता तो आई डोंट थिंक हम कभी वहाँ पे टाइम पे पहुँचते थे। बंदे ने बहुत भगाया एंड एकदम फटाफट बोलता ना शॉर्टकट ले लेके हमको पहुँचा दिया था टाइम पे। बट कल भी ना मेरा एकदम सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ था, मैं उसके भी यहाँ पे क्लिप्स डाल दूंगा। क्योंकि जब मैं लोकल से जा रहा था टुवर्ड्स GST एंड बीच में कहीं रास्ते में 15 मिनट के लिए लोकल ट्रेन लिटरली रुकी पड़ी थी, तो उसके वजह से मैं भी अगेन कट टू कट हो गया था। एंड ना जब मैं इधर पहुंचा CST तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपनी लोकल आई थी और मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 18 जाना था। अगर आप में से कोई मुंबई का नहीं है तो मतलब अगर आपको बता दो तो इट इज़ लाइक लिटरली 15-20 मिनट्स आपको लग जाते पूरा वॉक करके जाने में अक्रॉस CST का वो। तो कैसे तो मैं भाग भाग के जाके मैंने राजधानी पकड़ी एंड 4 बजे का डिपार्चर था उसका और मैं 3:58 को लिटरली मैंने ट्रेन में ऑनबोर्ड करा है।
बट चलो यार बहुत ही यूनिक सा एक्सपीरियंस था, उसके बाद मैंने थोड़ा आपको गांव भी दिखा दिया है। आई होप आपको गांव वाला एक्सपीरियंस भी थोड़ा पसंद आ रहेगा। वो तो अभी बोलते ना एक झलक थी, क्योंकि अभी आने वाले दो तीन दिनों में सिर्फ यही सब होने वाला है गांव में, जैसे शादी होती है क्या क्या ट्रेडिशंस होते हैं वो सब हम देखेंगे एक्सप्लोर करेंगे। मेरे लिए भी कुछ नया होने वाला है, आपके लिए भी, मतलब अगर आप नहीं हो गांव के तो आपके लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, तो आप भी देखते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।